एक हवाई जहाज को अगर रमन चलाता है तो कश्मीर से मुंबई आने में 1.5 घंटा लगता है, लेकिन वापस आते समय उसी हवाई जहाज को अगर अमन चलाता है तो सिर्फ 90 मिनट में वापस आ जाता है। दोस्तों, दोनों भी एक ही स्पीड से प्लेन चला रहे थे, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, दोनों को भी वापस आने में और जाने में एक जैसा ही समय लगा। दोस्तों, आपने सवाल अच्छी तरह से नहीं सुना था, हमने सवाल घुमा फिरा कर पूछा था। दोस्तों, भाई 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 90 मिनट ही होते हैं ना। बस हमने पहले घंटे में बताया और बाद में मिनट में बताया। वैसे ये दोनों भी समय बराबर ही हैं, बस यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने का था। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 2 में आज हम आपकी IQ टेस्ट लेने वाले हैं, तो इस पजल को जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर 6 लाइंस आई है, तो आपको बताना है कि आप इन 6 लाइंस का उपयोग करके 4 ट्रायंगल कैसे बना सकते हो। तो भाई थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और इस पजल का सही जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल था, बस आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो ये देखिए, इसे हम इस प्रकार भी तो कर सकते हैं ना। तो हो गए ना भाई 4 ट्रायंगल। दोस्तों, इस पजल का जवाब किस किस ने दिया था, तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ भाई, इतनी मजेदार पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, पजल नंबर 3 में आपको कंपनी के लोगो को देखकर उस कंपनी का नाम बताना है। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो भाई इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि यह किस कंपनी का लोगो है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है, यह टेलीनॉर कंपनी का लोगो है। दोस्तों, आपने टेलीनॉर कंपनी के सिम कार्ड तो देखे ही होंगे ना। तो दोस्तों, क्या आप ये सही गेस कर पाए थे क्या? अच्छा, ठीक है भाई, जाने दो। अगर सही गेस नहीं कर पाए होंगे तो अब हमें बताइए कि यह किस कंपनी का लोगो है। तो भाई जरा ध्यान से सोचिए, क्योंकि इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है।
तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि यह किस कंपनी का लोगो है? अरे यार, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, यह एयरटेल कंपनी का लोगो है। दोस्तों, भैया आप एयरटेल कंपनी के सिम कार्ड तो यूज़ करते होंगे ना, तो उस पर यही लोगो होता है। दोस्तों, आप में से किस किस ने ये दोनों भी लोगो सही गेस किए थे, तो वहाँ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चौथी पहेली। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि विश्व का ऐसा कौन सा पक्षी है जिसे पंख नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वह पक्षी है कीवी। दोस्तों, इस पजल का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया है, पर उन सभी में सही जवाब देने वाले उन पांच लकी विनर के नाम ये रहे: राजा कुमार, लाल बहादुर शास्त्री, विद्यांश राज, ललित कुमार, राहुल कामरा। दोस्तों, आप पांचों को मनोरंजन मैसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस मूवी का नाम है। तो भाई, जल्दी से कमेंट करें और उन पांच लकी विनर में अपना नाम घोषित करें। तो चलिए देखते हैं लास्ट पहेली। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि यह किस लड़के का नाम है। तो भाई, पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए और हमें सोच समझ कर बताइए कि यह किस अटपटे लड़के का नाम है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, भाई उस लड़के का नाम है त्रिमूर्ति। देखिए भाई, सबसे पहले है ट्री, तो वह हो गया त्री, और बाद में है मूर्ति, तो दोनों मिलाकर हो गया ना त्रिमूर्ति। दोस्तों, आप चाहो तो यह नाम नेट पर चेक कर सकते हो। और हाँ, आप में से किस किस के दोस्त का नाम त्रिमूर्ति है, तो वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।